फूड बिरयानी बना रहा हूँ मैं। ये चावल भीगे हुए हैं और इसके साथ में थोड़ा सा एक मैरिनेट बना लेते हैं। इसमें दही, और क्योंकि आपको तीखा पसंद है तो इसलिए हरी मिर्च, ये कितनी ज़्यादा डाल दी। हाँ, एक क्वांटिटी कितने लोगों के लिए होगी? आप जैसा मिर्च खाने वाला हो तो एक ही काफ़ी है। और अदरक और लहसुन का पेस्ट और नमक, ये अब इसके अंदर फिश और प्रॉन्स, छोटे वाले प्रॉन्स, ये बस दोनों ये चीज़ें ही डालते हैं हम इसके अंदर और इसको मैरिनेट होने देते हैं। अब इसे पकाना शुरू करते हैं। पकाने के लिए मैं ले रहा हूँ घी इसमें। अब इसके अंदर ये थोड़ा सा गरम मसाला डालते हैं। बचपन में ये होता था, ये जो मैं तो पत्तियाँ कहूँगा इसे, हाँ तो मम्मी जब कुछ पकाती थी तो हमेशा कहता था ये लीव्स क्यों डालती रहती है आप, ये निकल कचरा निकालना पड़ता है खाने से। आई बिलीव इट्स फॉर फ्लेवर, लेकिन तब समझ में नहीं आती थी बात। खैर, इसमें फ्लेवर के लिए काली मिर्च, उसके साथ इलायची छोटी मोटी, दालचीनी और फूल चक्री, लौंग। वाह, कैसे देखिए फूट रहे हैं, घबराने की बात नहीं है। अब इसमें हम डाल देते हैं प्याज। तो अब इसके अंदर हम डाल देते हैं ये अदरक और लहसुन का पेस्ट। पेस्ट उसमें भी डाला था हमने। हाँ, ये इसमें भी डाला था, और क्योंकि आपको पसंद ही है तो चलिए ये भी डाल देते हैं। हरी मिर्च का पेस्ट। अब एक काम हमने करना है कि इसमें ये जो चावल भिगोए हुए हैं ये डाल लेते हैं। अभी इसके अंदर हमने डालना है एक स्टॉक, ये भी फिश स्टॉक है। फिश स्टॉक बनाने के लिए जो प्रॉन के ऊपर की शेल होती है और फिश की बोन्स हैं, उसमें पानी डालकर करीब 15 मिनट तक पकाना है और फिर छान लें। फ्लेवर चाहिए हमें सी फूड का। उबाला जाता है। हाँ, उबाला जाता है बंद करके। हाँ, और 15 मिनट तक, उसके बाद में छान लें। तो ये बस वही है फिश स्टॉक। अब ये इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। तो मैं एक चाहता हूँ कि ये कुछ मसाले यहाँ पे पड़े हैं, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, गरम मसाला, आप क्यों ना डालें इसमें? प्रोपोर्शन आप बताएं। नहीं नहीं, आप डालिए, देखी जाएगी। कोई बात नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँ। पक्का? पक्का, गाली नहीं खाऊंगा फिर। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, खाना तो आपने ही है। इतनी हल्दी? इतनी हल्दी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और मुझे क्योंकि तीखा पसंद है तो मिर्ची थोड़ी ज़्यादा डाल। मिर्ची थोड़ी ज़्यादा, ज़्यादा तो नहीं होगी? नहीं, कुछ नहीं होगा, आप डालिए ना। ठीक है, ओके। ये गरम मसाला है? हाँ, गरम मसाला है। इसे थोड़ा डालते हैं। ठीक है, हाँ, तो सब तो पता है आपको। पता है ना? हाँ, थोड़ा धनिया। ये धनिया है? हाँ, धनिया। धनिया मुझे अच्छा लगता है। हाँ, थोड़ा ज़्यादा डाल देता हूँ। बिल्कुल, तो एकदम करेक्ट है। और ये? ये है केसर, ये मैं डाल देता हूँ। अच्छा, ये केसर, ये फ्लेवर के लिए है। फ्लेवर के लिए, तो इसमें मैं, हाँ आप मिलाइए। अब इस समय इसमें हम डालते हैं ये सी फूड जो हमने मैरिनेट किया है। इसके साथ इसमें हम डालते हैं ये शेलफिश, मेरे पास है। आप मसल्स डाल सकते हैं, क्लैम्स डाल सकते हैं। मसल्स थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, क्लैम्स थोड़े छोटे। खैर, दोनों जो हैं वो डालने हैं, लेकिन पका के इसको डाल देते हैं। पानी में उबलते हैं? हाँ, उबलते पानी के अंदर इसे डालें, अच्छी तरह से धोने के बाद पानी में, और फिर इसके अंदर डालते हैं। पूरे डाल दें? हाँ हाँ, पूरे ही, ऐसे ही। अच्छा, और अब सब चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। अब एक जो बहुत ही ज़रूरी मसाला है वो रह गया, वो एक्चुअली पहले थोड़ा डाल देना चाहिए था, कोई बात नहीं। नमक, नमक, और इसमें हम डालते हैं नींबू का रस। इसके साथ साथ इसमें डालते हैं हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और कुछ पुदीने के पत्ते। अच्छा, फ्रेश मिंट, ये मिक्स कर लेते हैं। इसे हल्के हाथ से मिक्स करना है। अच्छा, अब इसमें ये फ्राइड अनियन, ओके, तो ये इसके अंदर, अब इसे धीमा कर देते हैं और ढक्कन इसके ऊपर ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर रखने देना है। कितनी देर के लिए? अब इसे कम से कम इस समय लगेंगे 10 मिनट। 10 मिनट में जो पानी है वो सूख जाएगा
और जो बिरयानी है पूरी तरह से तैयार, जो सी फूड है बड़ी जल्दी पकता है। इसी तरह से घर में सबके लिए खूब सारी सी फूड बिरयानी बना के देखें, बहुत टेस्टी बनेगी, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं इसके अंदर और स्वादिष्ट बनेगी। केसरी सी फूड बिरयानी के लिए 1.5 कप बासमती चावल, 3/4 कप दही, 1 बड़ा चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक स्वादानुसार, 20 मीडियम साइज के प्रॉन्स साफ किए हुए, 1 मीडियम साइज की पॉम्फ्रेट मच्छी बोनलेस पीसेस में कटी हुई, 1/2 कप स्लाइस की हुई तली हुई प्याज, 2 प्याज स्लाइस किए हुए, 2.5 बड़े चम्मच घी, 1 तेज पत्ता, 8 से 10 काली मिर्चें, 2 काली इलायची, 4 हरी इलायची, 1 फूल चक्री, 2 टुकड़े दालचीनी के 1 इंच के, 2.5 कप फिश स्टॉक, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटे चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, चुटकी भर केसर, 8 से 10 क्लैम्स या मसल्स पकी हुई, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, 1/4 गड्ढी हरे धनिया के पत्ते कटे हुए और थोड़े से पुदीने के पत्ते। इसे बनाने के लिए सबसे पहले साफ चावल को 3 कप पानी में 1/2 घंटे तक भिगो कर रख दें। 1 बोल में दही लेकर इसमें हरी मिर्च का पेस्ट, अदरक और लहसुन का पेस्ट और नमक डालकर मिक्स कर लें। इसके साथ इसमें फिश और प्रॉन्स को डालकर मिलाएं और कुछ देर तक मैरिनेट होने के लिए रख दें। अब एक पैन में घी लेकर इसमें तेज पत्ता, काली मिर्च, हरी इलायची, काली इलायची, फूल चक्री, दालचीनी और लौंग डालकर भून लें। इसमें स्लाइस की हुई प्याज डालकर भून लें। अब अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर कुछ देर तक भूनें। इसमें भीगे हुए चावल और फिश स्टॉक डालकर कुछ देर तक पका लें। अब इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर और केसर डालकर मिक्स कर लें। अब इसमें डालें मैरिनेट की हुई फिश और प्रॉन्स और क्लैम्स या मसल्स डालकर मिक्स कर लें। इसमें नमक, नींबू का रस, कटा हुआ हरा धनिया, पुदीने के पत्ते और तली हुई प्याज डालकर इसे ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर करीब 10 मिनट तक या जब तक चावल ना पक जाएं तब तक पकाएं और गर्मा गर्म सर्व करें।